You are watching SBR News 1. Today's news updates, let's watch. नमस्कार, आप देख रहे हैं SBR News 1 और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। कांग्रेस नेता इंद्र प्रताप सिंह छोटे राजा की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है, जिसे लेकर आक्रोशित लोगों ने छतरपुर जिला हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, जहां पुलिस से झड़प हुई। आपको बता दें, बड़ा मलहरा के आयुष होटल के पास बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया। मामला करीबन शाम 7:30 बजे का बताया जा रहा है। गुवारा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह छोटे राजा पठिया थाना भगवा के निवासी थे, जिसके बाद भारी पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं सीसीटीवी में हत्या की घटना कैद हुई है। आपको बता दें कि जिला हॉस्पिटल में इलाज के दौरान नेता की मौत हो गई। गोवर्धन पत्रकार संघ के पत्रकारों ने प्रेस क्लब के लिए भूमि आवंटन कराने के लिए डीएम नवनीत चहल को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। इस पर डीएम ने पत्रकारों को आश्वस्त करते हुए शीघ्र भूमि आवंटन कराने के निर्देश एसडीएम गोवर्धन राहुल यादव को दिए। गोवर्धन में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने प्रेस क्लब के लिए भूमि आवंटन की मांग करते हुए कहा कि गोवर्धन धार्मिक दृष्टि से प्रमुख स्थल है, जहां देश के कोने कोने से न्यायाधीश, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी व देश के विभिन्न राज्यों के कार्यकर्ता पत्रकार साथी गोवर्धन आते हैं। यहां उन्हें बैठने के लिए पत्रकारिता स्तर पर कोई सुविधा प्रशासनिक स्तर से नहीं की गई है। दैनिक हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हरिओम चौधरी ने बताया कि पत्रकारों के हित को ध्यान में रखते हुए गोवर्धन में प्रेस क्लब के लिए भूमि आवंटन के लिए विशेष आवश्यकता है। इस अवसर पर खन्ना सैनी, राम शर्मा, मनीष शर्मा, ऋषभ कौशिक, गौरव कौशिक, डीएम साहब ने एसडीएम साहब को फॉरवर्ड कर दिया है और शीघ्र जमीन हमारे लिए उपलब्ध करा के जिसमें हम प्रेस क्लब की स्थापना करा सकें, और यही बात हमने डीएम साहब के सामने रखी है। अच्छा, और आप आगे चल के मुहिम पत्रकारों के हित पर, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि पत्रकार जमीन से जुड़ा होता है और कहीं ना कहीं जाकर उस पर आगे जाके पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिलती है, तो क्या पत्रकारों के आप अध्यक्ष हैं, तो कहाँ तक ये सब कुछ चलेगा और संघर्ष और सामने पत्रकारों के लिए क्या क्या दिक्कतें सामने आती हैं? जो ये सारी चीज़ों पर हम लोगों ने बिंदुवार बात करेंगे, और ये अगर किसी पत्रकार के साथ जाती है, पुलिस के द्वारा होती है या प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा होती है, तो उसको अपने हमारा जो संगठन है उसमें पूरी चीज़ रख के अधिकारियों के खिलाफ कहीं भी जाना पड़ेगा, लेके यहाँ गोवर्धन से लेके मथुरा लखनऊ जाना पड़ेगा पत्रकारों की आवाज़ बुलंद करने के लिए, हर प्रयास के लिए तत्पर रहे। साइबर सेल देवरिया व वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली ने मुखबिर की सूचना पर कतरारी मोड़ के पास से एक बाल अपचारी के साथ एक व्यक्ति रजत दुबे निवासी बरीढिया थाना मदनपुर को गिरफ्तार किया। बाल अपचारी के पास से एक अदद कैमरा व एक आधार कार्ड की छाया प्रति व 1500 रुपए और अभियुक्त रजत दुबे उपरोक्त के पास से एक अदद कैमरा, 5 अदद आधार कार्ड व 2500 रुपए बरामद किए गए। बरामद आधार कार्ड को देखते हुए उनमें नाम पता व्यक्तियों के अलग अलग हैं और फोटो एक जैसी लग रही है, जिसके संबंध में अभियुक्तों ने बताया कि वह अपने साथी दीपक सिंह के साथ मिलकर फर्जी आधार कार्ड के आधार पर सामान व दूसरे लोगों से ठगी कर फरार हो जाते थे। पुलिस टीम ने बरामद माल को कब्जे में लेते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद की साइबर सेल ने और कोतवाली पुलिस के संयुक्त प्रयास से एक फर्जी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है, जो फर्जी आधार कार्ड बना करके जो सामान आधार कार्ड के आईडी के आधार पर लोगों से ले करके फ्रॉड किया करते थे। मूलतः इसमें एक लड़का जो मदनपुर का है, जो प्रिंटर वगैरह रखे है, और वो फर्जी आधार कार्ड बनाता है जिसमें फ़ोटो जिस व्यक्ति का आधार कार्ड होता है उसकी होती है और पता उसका कुछ और लिखा होता है। और इस प्रकार इन लोगों ने यहाँ अभी लेटेस्ट दो घटनाएं की, दो हाई रेजोल्यूशन के कैमरे किराए पे लिए उसी आधार कार्ड के आधार पे, और जब वो नहीं लौटे तब उस दुकानदार ने इसकी कंप्लेंट की। हमारे साइबर सेल ने ये पूरा टेक्नोलॉजी से इसकी खोज की और 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक बालअपचारी है तथा 2 अभियुक्त इसमें थाना मदनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे 25 आधार कार्ड, 1 मोबाइल, इसके अलावा 2 हाई रेजोल्यूशन के कैमरे बरामद हुए हैं, साथ ही प्रिंटिंग मटेरियल, प्रिंटिंग मशीन, लैपटॉप और उससे संबंधित और एलाइट सामान, उत्तर प्रदेश सरकार के होलोग्राम्स, तमाम रबर मुहरें आदि बरामद हुई हैं, जिससे प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये चरित्र प्रमाण पत्र या और भी इस तरह की चीज़ें करते रहे।
पटा खुर्द गांव के लोगों की किसी ने अफवाह फैला रखी थी कि पटा गांव के लोग मावा में आलू सूजी आटा आदि मिलाकर बेच रहे हैं। जैसे ही खाद्य विभाग की टीम को ये जानकारी लगी तो खाद्य विभाग की स्वचालित प्रयोगशाला और अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर सभी मावा बेचने वालों से मावा का सैंपल लेकर तुरंत उस मावे की जाँच करवाई और उसमें कोई भी मिलावटी सामान नहीं पाया गया। आपको बता दें, इस गाँव के लोग कई पीढ़ियों से मावा बेचने का काम कर रहे हैं। बहुत सी जगह इस गांव का मावा जाता है और कभी भी कोई शिकायत नहीं आती है। गांव के लोग मावा बेचकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। उनका कहना है कि ना हमने कभी मावा में मिलावट की है और ना हम करेंगे। जब जिस अधिकारी को आना है वह जांच करने आ सकता है। समस्त गांव के लोगों ने झूठी खबर का खंडन किया और अपनी शुद्धता को खाद्य विभाग के अधिकारियों के सामने प्रमाणित किया। सर, जो आपने यहाँ पठाखुर्द में कार्यवाही की, इसमें क्या जांच के दौरान क्या पाया? जांच के दौरान अभी तो हमने ऐसा कोई मिलावट पाई नहीं जिसमें आटा मैदा सूजी मिला हुआ हो या आलू मिला हुआ हो। हमने उसमें टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखा, कोई किसी में भी नीला कलर नहीं हुआ। इसी प्रकार हमने जांच उसकी भी की है, आपके डिटर्जेंट की भी जांच की है और अन्य जो पैरामीटर्स हैं जो हमारी लैब चलित प्रयोगशाला जो यहाँ पर हम लाए हुए हैं, मैजिक बॉक्स में जो सामग्री मिली हुई है उससे हमने जांच करके देखा। अभी तक ऐसी कोई शिकायत जिस चीज़ की अखबार में निकली हुई थी वैसी शिकायत असत्य पाई। जो अपने यहाँ झूठी अफवाह फैलाई जा रही थी मावा की सैंपल मतलब मावा में मिलावट हो रही है, तो आप क्या कहेंगे इसमें? हम खुद एक व्यापारी हैं तो यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे दादा पिताजी सब लोग यही करते आ रहे हैं 55-60 वर्षों से, तो हम लोग सिर्फ इसी बेस पे टिके हैं कि यहाँ ये शुद्ध है, इस वजह से हम लोग टिके हैं। 55-60 साल हो गए हम लोग को ये व्यापार करते हुए, तीन पीढ़ियाँ कर रही हैं, अब चौथी पीढ़ी भी करने लगी है ये व्यापार। तो हम तो यह खंडन करते हैं इसका कि यहाँ ये कुछ मिलता है इसमें, प्योर शुद्ध रहता है ये जो मावा रहता है, किसान बना कर लाते हैं, हम सिर्फ बेचते हैं और कुछ नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए SBR News 1। नमस्कार।